नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के अनाज मंडी स्थित दुकान नंबर 1 से आरती से हुई 13 लाख की लूट का मामला सुलझ चुका है। पुलिस ने इस सिलसिले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लूट शुदा राशि से 1,62,000 की नकदी बरामद की गई है। साथ ही तीन जिंदा कारतूस और एक पिस्तौल भी बरामद किया है। लूट के तार उत्तर प्रदेश के रोहित लंगड़ा गैंग से जुड़े हुए बताए गए हैं। पुलिस ने कुल 8 लोगों की पहचान इस सिलसिले में की है जो कि वारदात में शामिल थे। 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 अन्य पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस का दावा है कि शीघ्र ही इन 4 को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सियाई थाना में DSP आर्यन चौधरी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूरे मामले की जानकारी दी। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। मंडी में 24/7/2019 को एक लूट की वारदात हुई थी जिसमें 13 लाख रुपए जो एक व्यापारी थे उनसे कुछ बदमाशों ने 5 बदमाशों ने लूटे थे। उस वारदात में हमने आज चार जो क्रिमिनल्स थे या उनके कॉन्स्पिरेटर्स थे हेल्पर्स थे उनको हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें सबसे पहले जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर था वो सामने आया है। उसका नाम अमर बहादुर भावदीन का है। ये व्यक्ति जो है ये मेन कॉन्स्पिरेटर था, ये इसने सारी प्लानिंग की थी। तो इसके आगे जो इसने किया इसकी इसने आगे एक लवप्रीत सिंह को इसने कुछ पैसे दिए अपनी माँ को देने के लिए। तो उसके तहत लवप्रीत सिंह और उसकी माँ को भी गिरफ्तार किया है हमने इसमें, क्योंकि उसने हेल्प की है। उसके अलावा जो मेन कॉन्स्पिरेसी में जो लड़का सबसे पहले ऊपर गया था और जिसने ऊपर जाके मारपीट आई और पिस्टल के दम पे पैसे छीने थे, उसका नाम है राकेश और वो है शामसुख गांव हिसार का। इसे भी हमने जो है राउंड अप किया है और अरेस्ट कर लिया है। और 1,02,000 रुपये एवं साथ में एक कट्टा और 3 कारतूस इससे बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस कॉन्स्पिरेसी में एक और जो यूपी का व्यक्ति है रोहित लंगड़ा, ये यूपी में औरैया का है, रोहित मिश्रा इसका नाम है, यूपी औरैया से है ये। और ये पहले भी इसको एक 302 के केस में जो सजा याफ्ता है ये भी इस कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व था। और जो 3 लड़के यूपी के आए हैं जो इस कॉन्स्पिरेसी जो इस एक्चुअल घटना करने में थे उसको लाने वाला भी उनको ये था। इसके साथ और इसके साथ ये जो 3 बंदे थे ये औरैया जेल में बंद थे, तो इसको भी हमने गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 व्यक्ति और हैं, 4 व्यक्ति और हैं, अमर बहादुर, मनीष, कुलदीप और इश्तहार, जिनकी अभी अरेस्ट फ्यूचर में हम करेंगे। ये सभी जितने भी हैं ये सभी प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हैं। अमर बहादुर जो है वो मुख्य कॉन्स्पिरेटर था। अमर बहादुर मनीष कुलदीप, इश्तहार और राकेश, ये जो थे ये लोग वो हैं जो एक्चुअल घटना में इन्वॉल्व थे। अमर बहादुर गाड़ी चला रहा था और बाकी जो 4 बंदे ऊपर गए थे उनमें एक राकेश है जो गिरफ्तार हो गया है। मनीष, कुलदीप, इश्तहार ये वो लोग हैं जिनकी अभी अरेस्ट हम फ्यूचर में हम करेंगे। और इसके अलावा बताओ आप कुछ रह गया तो इसमें हमने इसके अलावा हमने इसमें रिकवरी की है लगभग 1,68,000 के आसपास रिकवरी हुई है। 1,02,000 रुपये जो हैं वो रोहित लंगड़ा ये राकेश जो है हिसार के पास गाँव है शामसुख उससे हुई है 1,02,000 की रिकवरी। उसके अलावा अमर बहादुर की मदर से 50,000 की रिकवरी हुई है। 12,000 की रिकवरी रोहित लंगड़े से हुई है। ये जो अमर बहादुर है ये लोकल रहने वाला है। इसके ऊपर भी पहले 6 मुकदमे जो है लूट के दर्ज हैं। तो ये ऑलरेडी एक ही कर रहा था कि हम किस किस को टारगेट कर सकते हैं, तो उसने इन पर सिंगल आउट किया कि यहाँ पे काफ़ी सारा जो है पैसे का लेन देन होता है, आन जान है पैसे का। तो इन्होंने टारगेट करके यहाँ पे ये लूट की घटना इसने मेन कॉन्स्पिरेसी की। इसमें आगे इसका ये जानकार था यूपी में रोहित लंगड़ा,
ये उसके पास गया कि जी मुझे कुछ करना है, क्राइम कमिट करना है, उसके लिए मुझे हेल्प चाहिए, दो तीन बंदे चाहिए। तीन बंदे फिर रोहित लंगड़े ने इसको वहाँ से मुहैया कराए, जो इटावा जेल में बंद थे। रोहित लंगड़ा 302 में जब बंद था तो इटावा जेल में इसके साथ तीन बंदे बंद थे, उनको इसने इससे मिलवाया कि भाई तुम इकट्ठा मिलके अपना ये कर लेंगे। और एक लड़का है जो श्याम सुख का, राकेश, ये भी अमर बहादुर का जानकार था, तो इसको भी इसने इन्वॉल्व कर लिया कॉन्स्पिरेसी में। सर इस केस में अब तक इतनी अमाउंट लाख एक रुपए बता रहे हैं, लाख 168। तो बाकी अमाउंट का कुछ बाकी अभी और गिरफ्तार होने गिरफ्तारियां होंगी, तो जैसे जैसे गिरफ्तारियां होंगी तो वो अमाउंट भी जो है रिकवरी होगी। चार व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, एक महिला है, अमर बहादुर की जो मदर है उनसे 50,000 की रिकवरी हुई है। उसके अलावा रोहित मिश्रा उर्फ रोहित लंगड़ा औरैया यूपी से, इससे 12,000 की रिकवरी हुई है। इसके अलावा राकेश जो श्याम सुख गांव से हिसार से है, इससे 1,02,000 रुपए की रिकवरी हुई है। और इसके अलावा एक पिस्टल 315 बोर 3 कार्ट्रिज के साथ, वो भी राकेश जो है श्याम सुख से, इससे बरामद हुआ है। वो आगे जो भी है, जैसे आगे आगे हमें खबर मिलेगी दैट विल बी आपको बता दिया जाएगा। जैसे तब तक की जांच में सर कितने आरोपी पता लगे हैं टोटल? टोटल 5। अभी आपको पता ही है एक्टिवली जो वहाँ पे थे वो 5 थे जिन्होंने एक्चुअल वारदात की है। अब जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं, एक कॉन्स्पिरेटर आ गया रोहित लंगड़ा, और आगे जैसे जैसे तफ्तीश चलेगी जो आते जाएंगे। हैं लवप्रीत है, जंडवाड़ा गाँव का, जंडा जंडा कला